हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक और नाम हासिल कर लिया है। हालांकि ये किताब भारत के ही नाम था, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसमें एक अपडेट हो गया है। सभी लोगों को अभी तक तो मालूम चल ही गया होगा, लेकिन आज हम लोग सबसे लंबा और सबसे बड़ा में फर्क भी समझ लेंगे, अंतर भी समझ लेंगे। तो बने रहिएगा, देखिएगा। भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का खिताब हासिल किया है। यह खिताब पहले से भी भारत के ही नाम था, लेकिन अब यह बदल चुका है। नया कौन सा हो गया है, आइए देखिए चलते हैं। भारत ने रेलवे में अभी तक कई सारे बहुत सारे कारनामे किए हैं। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1863 53 में हुई थी। और यह कहां से कहां, किसके किसके बीच में चला था, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। कुल 20 डिब्बों का यह ट्रेन था, जिसमें 400 लोग इसमें यात्रा किए। कुल 35 किलोमीटर की दूरी इसने पहली बार तय किया था। 16 अप्रैल 1853, ये डेट याद कर लीजिएगा। मुंबई से ठाणे बहुत बार ये पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अभी तक तो बना हुआ था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। वो ये जो प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 2A, ये दोनों को मिला करके, तीनों को मिला करके एक प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई कितनी नापी गई थी, तो 1366 मीटर इसकी कुल लंबाई थी, जो कि यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। दुनिया का सबसे लंबा यह प्लेटफॉर्म था गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जिसमें 1, 2 और 2A, ठीक है। जब आप अभी कुछ लोग गए होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पे गोरखपुर, और कुछ लोग नहीं गए होंगे, जब आप जाएंगे तो सामने ही जहां से एंट्री करेंगे वहां पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1। आप ये सोचेंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है तो जरूर ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 क्या होगा, आगे वाला होगा। लेकिन जो लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाएंगे 2 पे जाने के लिए, तो वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहां है, पहले है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और प्लेटफॉर्म नंबर 2A है। ये एक ही में ये सारे प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाती है, 1366 मीटर हो जाती है इसकी लंबाई, जो कि यह अपने आप में विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन अब यह क्या हो गया है, अब यह दूसरे नंबर पे चला गया है। तो अब आप पूछेंगे कि पहले नंबर पे कौन आ गया है, तो पहले नंबर पे यह आ गया है, अभी मोदी जी ने रविवार को इसका उद्घाटन किया है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ये कौन सा है, तो इसका पूरा नाम है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, जिसको हुबली स्टेशन भी कहते हैं, उसका पूरा नाम ये है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। ये कहां पे है, तो यह कर्नाटक में है, जिसका मोदी जी ने रविवार को उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1505 मीटर से अधिक है इसकी कुल लंबाई। और यह हुबली रेलवे स्टेशन यह किस जोन में आता है, तो दक्षिण पश्चिम जोन में यह आता है। यह तो हो गया करंट से रिलेटेड न्यूज। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बड़ा और लंबा में अंतर क्या होता है, क्यों बड़ा, कुछ लोग लंबे को क्या कह देते हैं बड़ा कह देते हैं, कुछ बड़े को क्या कह देते हैं लंबा कह देते हैं। तो इसका एक बेसिकली अंतर होता है, आप लोग देखिएगा। ये मान लीजिए कि ये 5 फुट है और ये 5 फुट है, और एक डायग्राम आप लोगों के सामने ये है, ये है 10 फुट और ये है 2 फुट। इसमें बड़ा क्या कौन सा है और लंबा कौन सा है, ये अंतर समझना है हम लोगों को। तो इसमें लंबा तो हो जाएगा ये, क्योंकि डेफिनेटली ये लंबा दिख रहा है। लेकिन अगर हम बड़े की बात करते हैं तो बड़ा का जितना स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट के नाम पे ही वो निकाला जाता है, ठीक है, या फिर वर्ग किलोमीटर के आधार पर ही वो सब निकाला जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25 वर्ग फुट और इसका हो जाएगा 20 वर्ग फुट। तो बड़ा कौन दिख रहा है, तो जिसका वर्ग फुट या फिर वर्ग किलोमीटर या फिर जिस भी पैमाने में वो नापा जाता है, जिसका वो अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बड़ा। और जो देखने में ही लंबा दिखे वो क्या है, लंबा है, ठीक है।
इसीलिए छोटा और मोटा भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जबकि पतला और लंबा भी क्या कहलाने लगता है, छोटा कहलाने लगता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है लंबा और बड़े में अंतर जानने का। लंबा और बड़े में अंतर जानने का सिर्फ एक है कि उसके हम लोग एरिया पे डिपेंड होते हैं, एरिया के नाप पे ही हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब परिभाषित करते हैं कि कौन सा लंबा है और कौन सा बड़ा है। ये हो गया। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें, ये तो हो गया विश्व, भारत, एशिया, कहीं का भी कह लीजिए, जब ये विश्व का है तो डेफिनेटली भारत का भी होगा, एशिया का भी होगा। ठीक, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो ये हो जाता है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, और यह कहां पे है तो न्यूयॉर्क यूएसए में यह है, स्थित है इस समय वर्तमान में। और वहीं अगर हम भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है हावड़ा जंक्शन। ठीक है, वो हावड़ा जंक्शन हो जाता है। ये तो हो गई सारी बातें। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन इंग्लैंड में स्थित है, लिवरपूल रेल रोड स्टेशन। लिवरपूल रोड स्टेशन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1830 को इसकी स्थापना हुई थी, और यह दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो आई होप ये जो करंट से रिलेटेड न्यूज था आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा, साथ ही साथ उसके साथ साथ कुछ और भी ज्ञान की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।